वेलकम टू योर एकेडमी मुनीलाल सर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश मॉडल सेट 2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स, यदि आप चाहते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम्स में, जो आपका दिसंबर में तो 10 का है, उसके बाद फरवरी मार्च कभी भी हो सकता है, तो डियर स्टूडेंट्स, अच्छे अंक यदि आप लाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो अवश्य ही इस वीडियो को ही नहीं, इस तरह के बहुत सारे वीडियोज हमारे चैनल्स पर हैं, आप उन्हें अवश्य देखें। पूरे ध्यान से चित्त को शांत करके सारी जो है, जो मन में आपकी जो इधर उधर की बातें हैं उन्हें आप बाहर निकाल दें और रिलैक्स हो करके मेरी बातों को सुने और समझें। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले चलते हैं पैसेज नंबर 1 पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 1, इसी से आपका 1 से लेकर के जो है टोटल देख लो 10 मार्क्स है, 10 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। चलिए देखते हैं। सोयाबीन्स, बहुत अच्छा टॉपिक मिल गया है। सोयाबीन्स आर सीड्स ऑफ द सोयाबीन प्लांट एंड दे बिलोंग टू अ लेग्यूम फैमिली। सोयाबीन्स ग्रो इन अ वैरायटी ऑफ सॉइल्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर फुल स्टॉप छूट गया है, तो दे दिए फुल स्टॉप। चलिए, क्या बताया कि सोयाबीन्स आर सीड्स, सोयाबीन बीज होते हैं, बीज, ठीक है, किसका, सोयाबीन प्लांट का, और दे बिलोंग टू अ लेग्यूम फैमिली। और जो सोयाबीन होता है डियर स्टूडेंट्स, यह लेग्यूम फैमिली से बिलोंग करता है। लेग्यूम मतलब फलीदार, यानी फलीदार का मतलब जिसमें, जिसको आप दलहन कह सकते हो, जैसे चना है, मूंग है, मसूर है, क्या कहते हो, मसूर कहते हो, सॉरी मसूर मैंने कह दिया। तो इनको आप जब तोड़ते हो ना, तो देखना दो पार्ट उसके हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं फलीदार, ठीक है। लेकिन गेहूं को आप फलीदार नहीं बोल सकते, चावल को नहीं बोल सकते, इसके दो बराबर बराबर पार्ट्स नहीं बनते, ठीक है, इसलिए इसको लेग्यूम फैमिली कहेंगे। सोयाबीन के बीज बिल्कुल इसी तरह से होते हैं, इसलिए कहा गया कि सोयाबीन लेग्यूम फैमिली से बिलोंग करता है, यानी सोयाबीन फलीदार परिवार का ही एक हिस्सा है, अंग है। चलिए, सोयाबीन्स ग्रो इन अ वैरायटी ऑफ सॉइल्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। कहता है सोयाबीन का जो ग्रो होता है, यानी सोयाबीन उगाया जाता है कहाँ, इन अ वैरायटी ऑफ सॉइल्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, विभिन्न तरह की मिट्टियों और जलवायु, क्लाइमेटिक, ठीक है, कंडीशंस मतलब परिस्थितियों में, यानी अलग अलग तरह की जलवायु वाले स्थानों पर और अलग अलग तरह की मिट्टी में जो है इसे उगाया जा सकता है। सोयाबीन्स आर यूज्ड इन वेरियस फॉर्म्स, बीन्स, स्प्राउट एंड वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स एंड यूज्ड इन मेकिंग कैंडल्स एंड बायोडीजल। देख लो, कहता है सोयाबीन का जो इस्तेमाल है, उपयोग है, विभिन्न रूपों में किया जाता है, वेरियस फॉर्म्स में, ठीक है, जैसे बीन्स के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं,
स्प्राउट, स्प्राउट मतलब अंकुरित होता है, ठीक है। एंड अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, और विभिन्न तरह के खाने की चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। एंड यूज्ड इन मेकिंग कैंडल्स, और कहता है इसका इस्तेमाल मोमबत्तियाँ बनाने में भी होता है, साथ में बायोडीजल, ठीक है, जैव डीजल जिसको कहते हो, इसका भी उत्पादन किया जा सकता है या किया जाता है, लेकिन बहुत कम पैमाने पर होता है, इसलिए हम इसको देख नहीं पाते हैं, जनरली यूज में अपने यहाँ नहीं देखने को मिलता है। सोयाबीन्स आर लो इन कोलेस्ट्रॉल एंड फैट बट रिच इन प्रोटीन। देख लो कितनी अच्छी चीज़ है सोयाबीन। कहता है इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम होती है और फैट यानी चर्बी जिसको कहते हो वसा बहुत कम पाई जाती है, लेकिन प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स यह तो रिच है इसमें, यानी इन सब चीज़ों की जो मात्रा है वह पर्याप्त होती है। किसमें? सोयाबीन में। क्या क्या चीज़ें पर्याप्त होंगी? प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स। फाइबर्स यानी रेशा जिसको कहते हो। सोयाबीन्स कैन लोअर एलडीएल लेवल्स एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉर्नरी हार्ट डिजीज। देख लो, अब कहता है सोयाबीन जो है एलडीएल लेवल, भाई ये मेडिकल टर्म है, एलडीएल लेवल्स को कहता है, यह कम करता है और रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉरोनरी हार्ट डिजीज। और हार्ट डिजीज जो है उसमें यह मदद करता है, यानी सोयाबीन के खाने से, सोयाबीन का इस्तेमाल करने से हार्ट की बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है, ये कह रहा है, ठीक है। और देखो, सोया मिल्क की बात कर रहा है। सोया मिल्क क्या होता है? मिल्क मतलब तो दूध ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? सोया मिल्क लैक्टोज फ्री इज अवेलेबल एज फ्लेवर्ड मिल्क, ठीक है। सोया मिल्क और सोया, सॉरी फिर वहीं चले गए थे हम, लैक्टोज फ्रीज यानी सोया मिल्क जो होता है उसमें क्या होता है, लैक्टोज नहीं पाया जाता है। लैक्टोज जो है शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, तो कहता है लैक्टोज फ्री है, यानी एक तरह का ये जो है शुगर का ही रूप है, ठीक है, लैक्टोज। तो सोया मिल्क जो होता है लैक्टोज फ्री होता है, इसमें लैक्टोज नहीं पाया जाता है सोया मिल्क में, इसलिए इज अवेलेबल एज फ्लेवर्ड मिल्क। और कहता है यह फ्लेवर्ड मिल्क होता है, यानी दूध जो इसका होता है बड़ा ही स्वादिष्ट होता है, स्वादिष्ट मिल्क होता है सोया मिल्क। एंड कैन बी ड्रंक बाय दोज एलर्जिक टू मिल्क। और कहता है सोया मिल्क कौन पी सकता है? वह आदमी भी पी सकता है सोया मिल्क जिसको दूध से एलर्जी है, ठीक है। यानी बहुत आदमी हमारे गांव में, समाज में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको दूध अच्छा ही नहीं लगता। कहता है दूध पीते हैं ना तो महकता है, उल्टी जैसा करने का मन करता है, ठीक है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सोया मिल्क में ऐसा कुछ नहीं होगा। सोया मिल्क आप पियोगे तो कहता है काफ़ी स्वादिष्ट होता है और यह एलर्जिक पर्सन भी पी सकता है, इसमें आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो भाई आप लोग देखना, सोया मिल्क तो इधर हम लोगों के यहाँ तो नहीं है, आपको कहीं मार्केट में मिले तो भाई टेस्ट करना और बताना कमेंट करके कि कैसा लगता है। चलिए क्वेश्चन, टू व्हिच फैमिली डज सोयाबीन बिलोंग?
भाई अभी पढ़ा था ना, लेग्यूम फैमिली का है ये, कोई खास बात नहीं। विच स्टेटमेंट प्रूव्स दैट सोयाबीन इज बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ? देख लो, इट कैन लोअर एलडीएल लेवल, ठीक है, ये तो हेल्थ के लिए अच्छा हुआ, ठीक है, ये तो सही है। सोयाबीन्स आर लो इन कोलेस्ट्रॉल, ये भी ठीक ठाक है। सोया मिल्क लैक्टोज फ्री होता है, ये भी ठीक है, यानी ऑल ऑफ द एबव कर देंगे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन सोयाबीन, कौन सा अवेलेबल नहीं है? देखो, हाई कोलेस्ट्रॉल तो नहीं होता उसमें, बाकी सब कुछ होता है, मिनरल्स भी होता है, फाइबर्स भी होता है। फाइबर्स तो हम लोगों ने पढ़ा था, मिनरल्स भी पढ़ा था यहाँ पर, है ना। देखो, तो हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है ना, यहाँ तो लिख भी दिया है ना, ये कोलेस्ट्रॉल इसमें बहुत कम होता है, हम लोगों ने पढ़ा था लो इन कोलेस्ट्रॉल, और ये क्या बोल रहा है, हाई कोलेस्ट्रॉल, तो भाई ये आपका अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। चलिए, ये सब अवेलेबल है, ये अवेलेबल नहीं है, लो कोलेस्ट्रॉल होता है ये कह रहा है, तो भाई ये नहीं होता है। सम ऑफ द पीपल आर एलर्जिक टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, हाँ, मिल्क, फ्लेवर्ड मिल्क, अच्छा अच्छा यानी फ्लेवर वाला दूध जिसको अच्छा नहीं लगता, तो उसको कहता है सोया मिल्क पीना चाहिए, अच्छा लगेगा। तो सम ऑफ द पीपल आर एलर्जिक टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था, इज अवेलेबल एज फ्लेवर्ड मिल्क एंड कैन बी ड्रंक बाय दोज एलर्जिक टू मिल्क। सोया मिल्क लैक्टोज फ्री होता है और अवेलेबल होता है, नहीं यहाँ पर तो कुछ अलग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन सोयाबीन्स, ये तो हो गया ना। सम ऑफ द पीपल आर एलर्जिक टू विच, किसके प्रति एलर्जिक होते हैं, मिल्क के प्रति होता है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ मिल्क तो लिखा ही नहीं है, तो हमें यही लिखना पड़ेगा, मिल्क केवल है ही नहीं, ठीक है। तो चलो, सोया मिल्क एलर्जिक नहीं होता, इसको हम बोल नहीं सकते, लैक्टोज के प्रति जो है एलर्जी नहीं होती है, एलर्जिक नहीं है ये। चलिए आगे चलते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स मिनिमाइज, मिनिमाइज मीन्स लोअर करना, रिड्यूस करना, देखो ये वाला मिल गया। चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अब पैसेज नंबर 2 पर, ठीक है। हॉबीज आर एक्टिविटीज दैट वी इंगेज इन आवर फ्री टाइम। हॉबीज यानी क्या कहते हैं इसको हम लोग, हॉबीज को शौक कहते हैं, यानी लीजर टाइम में, खाली समय में जो आप एक्टिविटीज करते हैं उसको हॉबीज कहते हैं। फ्री टाइम मतलब खाली समय। वी मे बी इंटरेस्टेड इन निडल वर्क, कहता है हमारा हॉबीज में निडल वर्क भी शामिल हो सकता है, हो सकता है कि हम इंटरेस्टेड हों निडल वर्क में, यानी सुई वाला काम, यानी जैसे सिलाई वगैरह का काम, ड्राइंग करने में, पेंटिंग में, म्यूजिक में। अदर कॉमन हॉबीज आर स्टैम्प कलेक्टिंग, कहता है अन्य जो कॉमन है, सामान्य से हॉबीज हैं, वो है डाक टिकट को कलेक्ट करना, क्ले मॉडलिंग यानी गीली मिट्टी से मॉडल बनाना, यानी कोई मूर्ति वगैरह बनाना, सॉल्विंग क्रॉसवर्ड पजल्स और पहेलियां बुझाना, क्रॉसवर्ड पजल हुआ। ऑल्दो हॉबीज ऑल्सो इंटेल वर्क, दे आर टेकन अपॉन थ्रू वंस ओन पर्सनल च्वाइस, कहता है यद्यपि हॉबीज भी जो है ना, इसमें भी इंटेल वर्क, नीड, इंटेल मीन्स नीड, इसमें भी काम करने की ज़रूरत होती है, इसमें भी काम करना ही पड़ता है। दे आर टेकन अपॉन थ्रू वंस ओन पर्सनल च्वाइस, और यह निर्भर करता है किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत च्वाइस पर, पसंद पर। दे आर नॉट फोर्स्ड अपॉन अस, यानी ये जो हॉबीज हैं ये हमारे ऊपर फोर्स्ड नहीं है, ये हमारे ऊपर कोई लाद नहीं सकता, ये हमारी मर्जी पर निर्भर करता है। दे आर एक्टिविटीज दैट वी आर रियली इंटरेस्टेड इन,
एंड हैंस गिव अस अ ग्रेट डील ऑफ प्लेजर। कहता है हॉबीज तो ऐसी एक्टिविटीज हैं, ऐसे क्रियाकलाप हैं जिसमें वास्तव में हम सभी इंटरेस्टेड होते हैं, और जब हम इंटरेस्टेड होते हैं ना जिस काम में, तो उस काम को करने में कहता है ग्रेट डील ऑफ प्लेजर, भारी मात्रा में, यानी ग्रेट डील यानी पर्याप्त मात्रा में प्लेजर मिलता है, हमें सुख मिलता है। हॉबीज मेक लाइफ इंटरेस्टिंग, चलो ठीक है दे, अब तो ये जान गए होंगे, कहेंगे सर मीनिंग कहाँ, बोले आप हिंदी में बोल दें एक बार। चलिए, हॉबीज मेक लाइफ इंटरेस्टिंग, यानी हॉबीज जीवन को आनंददायक मजेदार बनाता है। दे रिफ्रेश आवर माइंड्स आफ्टर ए हार्ड डेज वर्क, और दिन भर के हार्ड वर्क के बाद, कड़ी मेहनत के बाद हमारे माइंड को यह रिफ्रेश करता है। चलो, यानी रिफ्रेश फिर क्या हुआ सर, तरोताजा करता है। ठीक है ठीक है। वी नीड टू डू समथिंग डिफरेंट इन ऑर्डर टू डू आवर रूटीन वर्क इफेक्टिवली। अब कहता है वी नीड टू डू समथिंग डिफरेंट, हमें कुछ अलग करने की ज़रूरत पड़ती है। नीड मतलब ज़रूरत होती है, टू डू समथिंग डिफरेंट कुछ अलग करने की, क्यों, इन ऑर्डर टू डू आवर रूटीन वर्क इफेक्टिवली, ताकि हम अपना रूटीन वर्क यानी जो दैनिक कार्य हैं हमारे, जो नियमित निर्धारित कार्य हैं, जो रूटीन में है करना ही है, वो उसको हम इफेक्टिवली करें, यानी प्रभावशाली तरीके से करें, इफेक्टिवली करें। इसके लिए ज़रूरी क्या है, वी नीड टू डू आवर डू समथिंग डिफरेंट, यानी हमें कुछ हटके कुछ अलग करने की ज़रूरत पड़ती है। हॉबीज प्रोवाइड दिस वैरायटी, और कहता है हॉबीज जो है इस तरह की वैरायटी, इस तरह की विविधता हमें उपलब्ध कराती हैं। चलिए, व्हाट आर हॉबीज, आपने पढ़ा, एक्टिविटीज दैट वी डू इन आवर फ्री टाइम, वेरी गुड, बेस्ट ऑप्शन मिल गया एक ही बार में। अरे अरे अरे, ऐसा नहीं कहिए सर, अभी और भी है, एक्टिविटीज दैट आर इंटरेस्टिंग, हाँ भाई ये भी होगा, एक्टिविटीज दैट रिफ्रेश भी होगा, ये भी होगा, यानी डी होगा। ठीक है, देखो भाई हम तो एक ही ठो देख करके मचल पड़े थे कि भाई मिल गया, फर्स्ट फट फट से मिल गया, तब इसको हम मिटा देते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर डबल टिक कर देते हैं। चलो मिटा दिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए, हाउ हॉबीज आर डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन वर्क। देखो भाई, रूटीन वर्क करने में तो आपका कभी कभी इंटरेस्ट नहीं होता ना, लेकिन रूटीन वर्क मे नॉट बी आवर इंटरेस्ट। ठीक है, ये कहता है हो सकता है ना रूटीन वर्क हमारे इंटरेस्ट का ना हो, बट हॉबीज आर, लेकिन हॉबीज तो होते हैं। ठीक है, हॉबीज आर ऑलवेज डिफिकल्ट, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, हॉबीज गिव्स अस बोर्डम, नो भाई, रूटीन वर्क मे बी आवर इंटरेस्ट बट हॉबीज आर नॉट, नो उल्टा बात, उल्टी बात, ये सीधी बात। ठीक है, चलिए, सेलेक्ट वन विच इज नॉट, नॉट ये क्या है रे, ये कुछ नहीं है, हटा दो इसको। सेलेक्ट वन विच इज नॉट कंसीडर्ड एज ए हॉबी इन द पैसेज गिवन अबव। ठीक है, कहता है सेलेक्ट वन, एक ऐसा इसमें से ऑप्शन चुनो, विच इज नॉट कंसिडर्ड एज ए हॉबी, जिसको हॉबी नहीं माना जाता इस पैसेज में, कि भाई स्टाम्प कलेक्टिंग को माना जाता है, ये भी माना जाता है, पेंटिंग को माना जाता है, नर्सिंग इज नॉट ए हॉबी डियर स्टूडेंट्स। चलो 9, हाउ कैन वी डू आवर रूटीन वर्क इफेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इफेक्टिवली कैसे करें अपना रूटीन वर्क को, बाय डूइंग इट ऑनेस्टली, ऐसा तो कुछ पढ़े नहीं है भाई, बाय डूइंग इट ऑन टाइम, ऐसा भी तो नहीं था, ऑनेस्टली इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था ना, समथिंग डिफरेंट, वी नीड टू डू समथिंग डिफरेंट इन ऑर्डर टू डू आवर रूटीन वर्क इफेक्टिवली। कहता है कुछ हटके करना है, अपने वर्क को अलग कुछ करके दिखाना है। हॉबीज आर, किधर चला गया भाई वो क्वेश्चन, यहाँ है,
by doing honestly, by doing on time, by involving oneself in other works of our choice, by involving oneself completely in the same work. ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. Doing it on time, यही होगा. Appointed time पे आपको करना पड़ता है ना, जो रूटीन वर्क है आपका, ठीक है. That we are really, यहाँ देखो, हम लोगों ने पढ़ा था जो हमारा रूटीन वर्क होता है. इसमें कहीं लिखा नहीं है, दे आर फोर्स्ड अपॉन, क्या होना चाहिए. चलो देखो, फिर से देख लेते हैं एक बार. हाउ कैन वी डू आवर रूटीन वर्क इफेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द पैसेज. चलो पैसेज के अनुसार, ऑनेस्टली शब्द कहीं आया नहीं था. बाई इन्वॉल्विंग वन सेल्फ कम्प्लीटली इन द सेम वर्क, ये भी नहीं होगा. वन सेल्फ इन अदर वर्क्स ऑफ आवर च्वाइस, हाँ, अदर वर्क्स ऑफ आवर च्वाइस, ये डियर स्टूडेंट्स बेस्ट ऑप्शन होगा. बाय इन्वॉल्विंग वन सेल्फ इन अदर वर्क्स ऑफ आवर च्वाइस, अपने आप को कुछ दूसरे कामों में भी लगा करके, ठीक है, जो रूटीन वर्क, क्योंकि रूटीन वर्क करते करते हम थक जाते हैं, यही तो हॉबीज है, ठीक है. व्हाट इज द अपोजिट एंटोनीम, यानी जिसको कहते हो उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द खोज लेंगे. इंटरेस्टिंग का बोरिंग कर दो, ठीक है, उबाऊ. चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा दोनों पैसेज का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन. उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा. और भाई, किसी तरह की कोई गलती भूल चूक हो ना, तो ज़रूर इशारा करना. इंसान से ही तो गलती होती है, जो काम करेगा गलती उसी से तो होती है, जो करेगा ही नहीं तो गलती क्या करेगा. तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे का एक्सप्लेनेशन, क्या कहते हैं भाई, देखो फिर भूल चूक हो गई ना, इससे आगे का एक्सप्लेनेशन लेकर मैं फिर उपस्थित होता हूँ आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक देखते रहें योर एकेडमी, मुनीलाल सर. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.